Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching videos of inorganic chemistry in Hindi. आप लोग यहाँ पर लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ रहे थे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए थे. अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. क्वेश्चंस न्यू हैं और अभी तक एग्जाम्स में नहीं पूछे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये क्वेश्चंस नेक्स्ट ईयर्स में CSIR, NET या GATE एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस लगाना. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, साइनाइड लिगेंड्स इन द कॉम्प्लेक्सेस NiCN4-2, MnCl4-1 एंड CrCn6-3 बाय 14Cn फॉलोज द ऑर्डर. यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए आपको दिया है NiCN4-2, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, तो इसके साइनाइड लिगेंड्स अगर हम लेबल्ड साइनाइड लिगेंड्स के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो इनके एक्सचेंज का रेट यानी कि ये जो रिएक्शन है, ये जो साइनाइड लिगेंड्स हैं, ये 14Cn के द्वारा रिप्लेस होंगे. ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्सचेंज रिएक्शन. ये रिएक्शन हो रही है तो इस रिएक्शन का रेट किस कॉम्प्लेक्स के लिए ज्यादा होगा और किसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए कम होगा, यानी कि हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेबाइल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम लेबाइल है. ठीक है, सीधे सीधे हमको लेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो तीन कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं, पहला तो यही दिया है NiCN4-2, दूसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया है MnCn4-1 और तीसरा आपको दिया हुआ है CrCn6-3. ठीक है, अभी आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करिएगा और सबसे पहले खुद जज करने की कोशिश करिएगा कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेबाइल होगा और कौन सा कॉम्प्लेक्स कम लेबाइल होगा. ओके, अगर नहीं आता है फिर आप इस वीडियो को आगे देखिए. चलिए आप भी देखिए, यहाँ पर आपको क्रोमियम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है. ठीक है, और बाकी के जो कॉम्प्लेक्सेस आपको दिए हैं ये दोनों, ये कैसे 4 कोऑर्डिनेटेड है. तो मैंने आपको बताया था कि 4 कोऑर्डिनेटेड जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो लिगेंड के अटैचमेंट के लिए बेटर साइट प्रोवाइड करते हैं, लिगेंड्स के रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पर बेटर साइट अवेलेबल होती है. ओके, तो इसलिए ये 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के केस में रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, जबकि 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस के केस में रिएक्शन कम होगी, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर्ट होगा. और वैसे भी आपको पता है क्रोमियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया है तो ये D3 केस है, और D3 के केस में जो CFSC की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है, ये CFSC वैल्यू हाई होती है, तो इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इट प्रोवाइड्स इट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं. जब भी आपको D3 दिया है तो समझ लीजिए वो इनर्ट होगा, तो इसलिए इस कॉम्प्लेक्स के लिए रेट सबसे कम होगा, यानी ये इनर्ट होगा. अभी बाकी के दो कॉम्प्लेक्सेस में देखिए, यहाँ पर आपको दिया है Ni+2 और यहाँ पर आपको दिया है Mn+3. तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखते हैं Ni+2 और Mn+3, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स में हायर चार्ज है, यहाँ पर लोअर चार्ज है. वैसे भी जो निकिल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो इसके केस में लेबिलिटी ज्यादा होगी. और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैंगनीज के कॉम्प्लेक्स पर चार्ज ज्यादा है, तो इसलिए ये इनर्ट होगा. Ni+2 कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा होगा, लेबाइल होगा. ठीक है, तो इसलिए लेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा लेबाइल होगा निकिल का कॉम्प्लेक्स, फिर मैग्नीज का और फिर क्रोमियम का, यानी ऑर्डर होगा 1, 2, 3. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो दिया हुआ है 1, 2, 3, दिस इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक एंड द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज. ओके, हमें बताना है कि काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. ऑप्शन ए में आपको क्या दिया है, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर लेस रिएक्टिव. ऑप्शन सेकंड में आपको क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट अ डिपेंडेंस ऑन बल्कीनेस ऑफ द लिगेंड्स. थर्ड आपको क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू फिनोमिनन. और फोर्थ में आपको क्या दिया है, देयर एग्जिस्ट अ डिपेंडेंस ऑन साइज ऑफ द मेटल आयन. तो देखिए पहले ऑप्शन में आपसे क्या कहा गया है कि मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर लेस रिएक्टिव.
जो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरे में आपसे क्या कहा गया है, देयर एग्जिस्ट डिपेंडेंस ऑन बल्कीनेस ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की बल्कीनेस पर जो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। ऑप्शन थ्री में आपको कहा गया है देयर एग्जिस्ट नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू फिनोमिनन, इन दो फिनोमिनन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और देयर एग्जिस्ट डिपेंडेंस ऑन साइज ऑफ मेटल, यहाँ पर क्या कहा गया है फोर्थ ऑप्शन में, कि साइज जो मेटल का है उस पर डिपेंडेंस दिखाते हैं। तो एक्चुअली में ये जो तीन ऑप्शंस थे ए बी एंड डी, इनमें किसके बारे में बात की गई है, लेवाइल और इनर्टनेस के बारे में। जबकि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप एक्चुअली में होता ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द बल्क इज। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, मतलब है कि जो ये चारों आपको दिए हुए मेटल आयंस, इनके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज का रेट क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए ये आपको क्या दिए हुए हैं, एक्वस कॉम्प्लेक्सेस दिए, क्योंकि वाटर के एक्सचेंज का रेट आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको कॉम्प्लेक्सेस क्या होंगे, CrH2O(6+3). एक कॉम्प्लेक्स ये होगा, दूसरा होगा एल्यूमिनियम H2O(6+3), तीसरा कॉम्प्लेक्स आपको दिया होगा CrH2O(6+2), और लास्ट आपको क्या दिया है NiH2O(6+2). ठीक है, तो ये चार आपको दिए हुए हैं। अभी इनमें आपको क्या बताना है कि जो वाटर है इसके एक्सचेंज का रेट किसमें सबसे ज्यादा होगा और किसमें सबसे कम होगा। तो देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, रेट ऑफ एक्सचेंज मींस लेबिलिटी या इनर्टनेस। और लेबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, चार्ज ऑफ दी मेटल कॉम्प्लेक्स देखना है। तो जहां पर ज्यादा चार्ज होगा वहां पर इनर्टनेस ज्यादा होगी, और जब इनर्टनेस ज्यादा होगी तो जो मॉलिक्यूल्स के वाटर मॉलिक्यूल्स के एक्सचेंज का रेट होगा वो कम होगा। ठीक है, तो इसलिए जहां पर जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इनर्टनेस और उतनी ही कम लेबिलिटी, यानी कि ये जो दो कॉम्प्लेक्सेस हैं CrH2O(6+3) और AlH2O(6+3), इनके केसेस में क्या होगी, इनर्टनेस ज्यादा होगी, हायर द इनर्टनेस। ओके, यानी इनके लिए रेट कम होगा, जबकि इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होगा, रेट ज्यादा होगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में भी देखिए ये क्या है, Cr+2 कॉम्प्लेक्स है और ये Ni+2 कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और ये क्या है आपका D4 कॉन्फ़िगरेशन है। D8 के लिए हमें पता है LiPC की वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में इनर्टनेस ज्यादा होगी, यानी कि हम कह सकते हैं Ni+2 जो है वो ज्यादा इनर्ट है, यानी कि कम लेबाइल है, इसके लिए रेट कम होगा और Cr+2 के लिए रेट ज्यादा होगा। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि लेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए लेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो Cr+2 के लिए सबसे ज्यादा होगा और Ni+2 के लिए सबसे कम होगा। अभी इन दो कॉम्प्लेक्सेस में देखिए Cr+3 दिया है और Al+3 दिया है, तो यहाँ पर ये D3 कॉन्फ़िगरेशन है आपका, और यहाँ पर तो कोई भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यूज आपकी सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, आपको पता है जो D3 कॉम्प्लेक्स होता है उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, यानी कि Cr+3 के लिए सबसे ज्यादा, फिर Al+3 के लिए होगी और फिर Ni+2 के लिए होगी, और ये होगा लेबिलिटी का ऑर्डर, Cr+3, Al+3, Ni+2 एंड Cr+2, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द लेबिलिटी। ओके, तो यही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑर्डर होगा। तो रेट हमारा क्या है, Cr+3 के केस में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसके केस में, Cr+2 के केस में, दिस विल बी द ऑर्डर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में राइट ऑर्डर दिया है, Cr+3, Al+3, Ni+2 एंड Cr+2। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया है वो क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स काइनेटिकली इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काइनेटिकली इनर्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा। आपको चार कॉन्फ़िगरेशंस दिए हैं, एक दिया है T2G6 EG0, दूसरा आपको दिया है T2G3 EG1, फिर आपको दिया है T2G5 EG0, और फिर आपको लास्ट में दिया है T2G6 EG4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो T2G6 EG0 है
इसमें आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर फिल्ड हैं? T2g लेवल में फिल्ड हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट आएगी, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सबसे ज्यादा क्या होगा, इनर्ट होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको इनर्ट और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी टाइप के और क्वेश्चंस आप लोग करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।